सो गाइस, इस टाइप के स्टेटस वीडियो BNF में कैसे एडिटिंग करेंगे, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसके लिए हम BNF ओपन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ मैं देख सकते हैं BNF ओपन हो चुका। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करके वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। देन नीचे में देख सकते हैं प्लस के आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ में गैलरी ओपन हो जाएगा। फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक फ़ोटो ऐड करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें फ़ोटो ऐड हो चुका है। ऊपर में देख सकते हैं ओरिजिनल, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से 960 रेशियो सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से स्किप करेंगे। तो यहाँ में देख सकते हैं BNF के वाटरमार्क, डिलीट पे क्लिक करेंगे और इसे डिलीट करेंगे। और जितना बड़ा वे स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं लेयर को उतना बड़ा करेंगे और शुरू में आ जाएंगे और नीचे में इस तरह से स्किप करेंगे। तो यहाँ में देख सकते हैं ब्लर, ब्लर पे क्लिक करेंगे। जितना ब्लर आप रखना चाहते हैं यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसे मैं 41 कर दिया। राइट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें ग्रीन वीडियो ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए यहाँ में देख सकते हैं तीसरा नंबर प्लस के आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे। फोटो वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ में गैलरी ओपन हो जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक ग्रीन वीडियो ऐड करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ऐड हो चुका है। नीचे में इस तरह से स्किप करेंगे तो यहाँ में देख सकते हैं फिल, फिल पे क्लिक करेंगे तो पूरा स्क्रीन में ऐड हो जाएगा। इस तरह से स्किप करेंगे तो यहाँ में देख सकते हैं क्रोमा, क्रोमा पे क्लिक करेंगे, ब्लैक पे ऐड करेंगे और इंटरसिटी को करीब 50 करेंगे। राइट पे क्लिक करेंगे। अब इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर में देख सकते हैं तीर के ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे। नीचे में एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जब तक एक्सपोर्ट हो रहा है तब तक हम वेट करेंगे। तो यहाँ में देख सकते हैं एक्सपोर्ट हो चुका है। ऊपर में देख सकते हैं डन, डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बैक आएंगे। फिर से हम प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ में गैलरी ओपन हो जाएगा। फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेम फ़ोटो ऐड करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं फ़ोटो ऐड हो चुका है। ऊपर में देख सकते हैं ओरिजिनल, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से 960 रेशियो सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से स्किप करेंगे। तो यहाँ में देख सकते हैं BNF के वाटरमार्क, डिलीट पे क्लिक करेंगे और इसे डिलीट करेंगे। और जितना बड़ा वे स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं लेयर को उतना बड़ा करेंगे और शुरू में आ जाएंगे। और अभी जो वीडियो एक्सपोर्ट किया वो सेलेक्ट करेंगे तो फिर से हम तीसरा नंबर प्लस पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ में गैलरी ओपन हो जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे और अभी जो वीडियो एक्सपोर्ट किया वो सेलेक्ट करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं इसमें ऐड हो चुका है। इसे फुल स्क्रीन में करेंगे तो इस तरह से स्किप करेंगे तो यहाँ में देख सकते हैं फिल, फिल पे क्लिक करेंगे तो पूरा स्क्रीन में ऐड हो जाएगा। और नीचे में इस तरह से स्किप करेंगे तो यहाँ में देख सकते हैं क्रोमा, क्रोमा पे क्लिक करेंगे और ये जो सर्कल है ग्रीन पे ऐड करेंगे और इंटरसिटी को करीब हम 50 करेंगे, स्पीड को करीब 37 या 35 करेंगे। राइट पे क्लिक करेंगे और नीचे वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और इस तरह से फोटो के यहाँ में एडजस्ट करेंगे और ओके करेंगे। अभी इसमें एक रिलीज वीडियो ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए फिर से हम तीसरा नंबर प्लस पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ में गैलरी ओपन हो जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक रिलीज वीडियो ऐड करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं इसमें ऐड हो चुका है। इस तरह से बड़ा करेंगे और यहाँ नीचे में ऐड करेंगे और नीचे में इस तरह से स्किप करेंगे तो यहाँ में देख सकते हैं ब्रांडिंग, ब्रांडिंग पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब इसमें टेम्पलेट ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए फिर से हम तीसरे नंबर प्लस पे क्लिक करेंगे, फोटो वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ में गैलरी ओपन हो जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक टेम्पलेट ऐड करेंगे तो यहाँ में देख सकते हैं ऐड हो चुका है। इसे फुल स्क्रीन में करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे और नीचे में इस तरह से स्किप करेंगे तो यहाँ में देख सकते हैं ब्रांडी, ब्रांडी पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और राइट पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि स्टेटस वीडियो बन चुका है। एक बार इसे प्ले करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बेस्ट लग रहा है। तो इस तरह से आप BNF में रिलीज से स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। इसमें जो भी मटेरियल लगा है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इस टाइप के स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद इसे आप गैलरी में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे तो ऊपर में देख सकते हैं तीर के ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे। नीचे में एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप BNF में रिलीज स्टेटस वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।